ली गई है, दी नहीं गई है? पहली बार दी थी? पहली बार। सारे जितने भी काम पहली बार ही हो रहे हैं जब से ग्यारह बार। गुरुजी एक मिनट खा लूं यार। वो कल आन लगे वकील या तो रखवा लो एपी उधर से दे दी भाई एपी आ जाए जाते 10 मिनट बाद दे दी ना बहुत भूल जाओ तो बुलाने लग रही आप देख रहे हैं चैम्बर नंबर 382 का वीडियो है। वकील एलन परासर आज किताबें बांट रहे हैं फरीदाबाद कोर्ट के युवा वकीलों को, साथ में बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैसला भी हैं। तमाम लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं किताबें बांटी गई हैं और हज़ारों किताबें हैं, सैकड़ों किताबें बांटी जा चुकी हैं। अभी वकील परासर से बातचीत करते हैं, पूछते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, कितनी किताबें हैं, कितने की वकीलों को बांट चुके हैं और क्या पर्पज है किताबें बांटने का, हर चीज़ वकील साहब से पूछेंगे। वकील साहब, अभी तक आपने कितनी किताबें आज बांट दी जो और चर्चाएं हैं कि आपका चेला इस बार का प्रधान बना है, साथ में बैठे हैं राजेश फैसला जी, इस बार आपने किताबों का आकार बड़ा मोटा कर दिया है, बड़ी मोटी मोटी किताबें बांटी है आपने इस बार, क्या कहेंगे? देखो जहां तक किताब बांटने की बात है, किताब तो कई सौ बांटी है और अभी आएंगे किताब, तो हम जो भी आएगा उसे सब किताब देंगे। और जहाँ तक आप प्रधान जी की बात कर रहे हो, ये फैक्ट है, ये वो प्रधान सेक्रेटरी है, अपने बढ़िया काम करेंगे प्रधान जी। नहीं, बढ़िया काम तो पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, जिस दिन प्रधान बने थे सबसे पहले आपको इन्होंने मंच पे बुलाया था, वो तो मेरे गुरु चेला का है, हमारे भी प्रधान है, ठीक है। देखो वैसे तो हमारे प्रधान सबके प्रधान बार के, इसमें तो डाउट ही नहीं है। तो आज 12वीं बार आपने किताब बांटे जो है, हाँ जी, कब तक सिलसिला जारी रहेगा? देखो प्रधान जी के कार्यकाल में तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ जो आदेश करते रहेंगे वो करते रहेंगे। प्रधान जी आप कुछ बताएं जो है, कैसा लगता है आपको गुरु जी कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं? हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु एलन परासर जी हैं, उनके हम शिष्य हैं और हमें बार ने प्रधान के रूप में सेवा करने का मौका प्रदान किया है। तो हम जो समय समय पर अपने गुरु जी से ये प्रेरणाएं लेते रहते हैं, वकीलों की सेवा करना उनका हमेशा एक जुनून रहा है, सदैव उनके पास लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, युवा जितने भी वकील साथी आते हैं वकील यहाँ से कमा के ले जाते हैं, लेकिन एलन परासर जी का हमेशा ये ध्येय रहता है कि वो जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी युवा वकील हैं, समय समय पर निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ ना कुछ वो मदद के रूप में उनको देते रहते हैं। नए नए वकील आते हैं, उनको किताबों की परेशानी रहती है, किताबें देना, और भी हमेशा इनका दरबार उनके लिए खुला रहता है, कोई कानूनी सहायता उन्हें लेनी हो, कोई केस में मदद करनी हो, किसी प्रकार की कानूनी सहायता लेनी हो, ये सदैव हर किसी वकील के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं और ये उनकी एक बहुत ही नैतिकता और वकीलों के लिए एक समाज मतलब सभी के लिए सेवा का उनमें जुनून है। और ये मैं ही क्या बल्कि पूरा हमारा जो कोर्ट है, जितने भी वकील साथी हैं, उनसे सभी ये प्रेरणा लेते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। और कई समय समय पर ये हमारे जो बार के पियंस हैं, इन्होंने उनके लिए फ्री में मेडिक्लेम 1.5 से 2 लाख रुपए की मेडिक्लेम की पॉलिसी कराई है, सभी जितने भी पियंस हैं सभी को फ्री में दी है, वितरित की है, और कम्बल बांटने और समय समय पर जो भी उनको जरूरत की सुविधाएं, जो भी सामान है, ये अक्सर उन्हें देते रहते हैं। इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सेक्रेटरी साहब आप कुछ कहेंगे? जैसा जोश, जनून और शौक हमारे बाबू श्री एलन परासर जी ने पाला है, मैं कहूँगा हर वकील ऐसा शौक पाले तो ये देश का इतिहास ही अलग होगा। नहीं, भारत के इतिहास में किसी और कोर्ट में आपने कभी ऐसा देखा कि कोई वकील जो है 12 बार किताबें और अन्य? देखो जी, हो सकता है कि किताबें बांटी गई होंगी, थर्ड फ्लोर पे था, देखा नहीं ऐसा,
सुना जरूर है कि एक आध बार किसी ने किताब बांट दी, लेकिन लगातार 12 बार किताब बांटी और कई 100 किताबें बांटी जा चुकी हैं, जो कि अपना में बहुत बड़ी बात है। और आज तो ये बर्फी भी बांटी जा रही है और किताबों का साथ ये बर्फी आपने बांटा है, ये प्रधान जी खुशी में बांट प्रधान जो किताबें ले गए हैं, जो ले जाने वाले हैं, क्या अपील करेंगे उनसे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? उनसे ये अपील करेंगे, भाई इसे पढ़ो, इसका फायदा उठाओ, कोर्ट में अपना बोल्डरी पक्ष रखो, इसमें 2022 की सारी डाइजेस्ट है और उनको देख के अपने बेल में केस में अपने बोल्डरी पक्ष रखें, पब्लिक को न्याय मिले, वो डिमोरलाइज ना हो। ठीक है सर, धन्यवाद।